ये मसला ऐसे ख़त्म नहीं होगा। इसमें सरकार शामिल है, इसमें पुलिस हेडक्वार्टर शामिल है। ये जो किंग पिन ढूंढने जा रहे हैं, कहीं हरियाणा में जा रहे हैं, कहीं राजस्थान में जा रहे हैं, किंग पिन तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी में बैठे हुए हैं। स्पॉन्सर्ड बाय संकल्प क्लासेस नीर चौक मंडी गिविंग नंबर ऑफ सिलेक्शंस इन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स फ्रॉम लास्ट 7 ईयर्स। क्या सवाल है? मुख्यमंत्री ने सीबीआई को केस देने की घोषणा की, लेकिन मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ फरेब किया, धोखा किया, और अभी तक सीबीआई जो है उसने केस टेक ओवर नहीं किया और ना सरकार की तरफ से प्रयास हुए। मुख्यमंत्री ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको किसी भी ढंग से जो है इसकी क्लोजर रिपोर्ट बढ़ा दी जाए, जो कल किया गया है कि इन्होंने ये कह के कि प्रिंटिंग प्रेस से पर्चा लीक हुआ और हमने जो है केस जो है क्रैक कर दिया और फाइनलिटी हो गई। ये SIT के थ्रू इसको फाइनल रिपोर्ट बना के इसको क्लोजर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मसला ऐसे ख़त्म नहीं होने वाला, ये मसला ऐसे ख़त्म नहीं होगा। इसमें सरकार शामिल है, इसमें पुलिस हेडक्वार्टर शामिल है। ये जो किंग पिन ढूंढने जा रहे हैं, कहीं हरियाणा में जा रहे हैं, कहीं राजस्थान में जा रहे हैं, किंग पिन तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी में बैठे हुए हैं। ये जो है बिल्कुल धोखा किया जा रहा है। ये जो कल का जो दिखाया गया है कि प्रिंटिंग प्रेस से पर्चा लीक हो गया, इतनी आसानी से पर्चे लीक नहीं होते। कौन था उसका कस्टोडियन? किसने पर्चा सेट किया? किसने पर्चा प्रिंटिंग प्रेस में छुपवाने की किसकी जिम्मेवारी थी? क्या पुलिस का कोई भी व्यक्ति इसमें दोषी नहीं है? ये कोशिश कर रहे हैं कि पर्चा जो है बेचा किसने और हम क्या या खरीदा किसने, हम कह रहे हैं कि बेचा किसने। अब ये बेचा इन्होंने उस पर लिया, ये प्रिंटिंग प्रेस वालों ने बेचा, ऐसा नहीं है। ये इतना सरल केस नहीं है। और CBI को ना दे के इतना टाइम लगा के जितना टाइम वेस्ट किया गया, ये सिर्फ जो है इस मामले को दबाने का प्रयास हुआ। इसका मतलब है सरकार शामिल है। प्रदेश के 2 लाख युवाओं के साथ फरेब हुआ है, 2 लाख युवाओं के साथ धोखा किया गया, 75,000 लोग जो है वो रिटर्न टेस्ट में बैठे, 25-26,000 जो है उन्होंने रिटर्न क्वालिफाई किया, और उसके बाद जो है पर्चा 6-8 लाख का बेचा। ये कोई करोड़ों का स्कैंडल थोड़ी है, ये तो अरबों का स्कैंडल है कि पर्चा 6-8 लाख रुपए में बेचा, कितने लोगों ने खरीदा। और जो है CBI आज दिन तक क्यों नहीं आई? क्यों आपने जो है SIT की जांच को नहीं रोका? जब आपने CBI को दे दिया, आपको सारी जांचें रोक देनी चाहिए थी, लेकिन आप जांच कर रहे हैं सिर्फ मामले को रफा दफा करने के लिए, दबाने के लिए। तो ये जो कल की फाइंडिंग है, इसकी फाइंडिंग को हम नहीं मानते। हमारा ये मानना है कि CBI यहाँ पे आए, जांच करे, नहीं तो अगर CBI नहीं आ रही है तो इसकी जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर कर दी जाए। इसको हाई कोर्ट के सिटिंग जज के अधीन जो है इसकी जांच करवाई जाए अगर CBI नहीं आ रही है। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।